वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी के इस करेंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों रोज सुबह के 6 बजे ये वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट एजुकेशन पे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों सुबह के 10 बजे ये जनरल साइंस की क्लास दी जाती है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। और 31 जनवरी का जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था करंट अफेयर का, वो आपके लिए ये रहा। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टैटिक जीके और उनके लिए बिहार दरोगा स्पेशल का जो मॉक टेस्ट दिया जा रहा है वो अपलोड कर दिया जाता है शाम को 7 बजे। तो इन सभी वीडियोज़ को लगातार आप लोग देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ जो कि मैं आपसे पूछूंगा और इसके कुछ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिए जाएंगे तो आप इस डिस्क्रिप्शन के आंसर भी दे सकेंगे, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है वो 30 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, 30 जनवरी को मनाई गई है। एक पॉइंट हो गया यहाँ से। दूसरी चीज, ये जो है 72वीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, 72वीं ये इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। भारत में हर साल अगर हम बात करें दोस्तों तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या, तो शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज के ही दिन अर्थात 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की थी। और इसी वर्ष भारत जो है महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाया है। ठीक है, तो इस वर्ष यानी कि 2020 में, ठीक है दोस्तों, 72 साल हो गए इनकी मृत्यु को। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे क्या, 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मामले किस राज्य में हुई पुष्टि हुई है। तो किस राज्य में सबसे पहले पुष्टि की गई है भारत के, जल्दी से आंसर करेंगे। अगर आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है नोट कर लीजिएगा, इट्स अ केरला, आंसर आपका सी हो जाएगा, नोट कर लेंगे यहाँ पे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ सी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक संक्रमण बीमारी है। जी हाँ, चीन में फैला कोरोना वायरस जो है वो भारत में भी इस साल मतलब है ना, पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है। वुहान से केरल लौटे एक छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित था। आपको बताना चाहते हैं कि चीन में कोरोना वायरस में अब तक लगभग 170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये फिलहाल ये आंकड़ा रुका नहीं है, लेकिन अभी तक फिलहाल आज की डेट तक ये 170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 7000 से ज़्यादा लोग इसके चपेट में हैं। तो जो वुहान शहर है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, वुहान शहर है जो चाइना का, वो उसको ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया है। अभी वहाँ से ना लोगों को आने जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कोरोना वायरस जो है वो जानवरों और इंसान दोनों को ही संक्रमित कर रहा है, यानी कि अगर ये जानवरों को हो जाता है तो एक दूसरे जानवर के साथ, दूसरे जानवर में एक साथ रहने पे भी उसको हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरों में यहाँ पे इसका इलाज चल रहा है। इसकी अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पे, तो देखिए जाहिर सी बात है केरल में ये सबसे पहले मामला को दर्ज किया गया है, तो केरल की राजधानी पूछ सकता है यहाँ पे, तो तिरुवनंतपुरम है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम क्या है, इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों यहाँ पे, तो पी विजयन। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोपीय संघ, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों ईयू की, यूरोपीय यूनियन की, है ना, कि संसद ने किस देश की ब्रेकिस्ट, है ना, ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ना, ब्रेकिस्ट जो डील थी उसकी अनुमति दे दी है किस देश को, यानी कि अब वो अनुमति जो है ये ब्रेकिस्ट को दे चुकी है ये देश, वो कौन सा देश है। ठीक है, तो ब्रेकिस्ट से दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन को बाहर होने के लिए यूरोपीय यूनियन सांसदों ने भी विदाई दे दी है।
जी हाँ बिल्कुल, आंसर हमारा क्या होगा, ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर, यूके यूनाइटेड किंगडम। आपको बता दें कि इस डील की अनुमति दी जा चुकी है और अब यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी डेट याद रखेंगे और ये सारे डेटा आप लोग लिखते रहिएगा है ना, 31 जनवरी को ये 2020 को ईयू से अलग हो जाएगा, ये एक इतिहास में इसका एक नाम भी लिख जाएगा, 31 जनवरी 2020 जो डेट है ये ब्रेकिश से ब्रिटेन को अलग किया गया है। यहाँ पे ब्रिटेन में देखिए परीक्षा से संबंधित चीज़ें और क्या यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, तो ब्रिटेन में जून 2016 में यूरोपीय यूनियन से निकालने पर इसका निर्णय लिया जा चुका था और जनमत संग्रह हुआ था इसका, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन छोड़ने वाला पहला देश भी बन चुका है, ईयू छोड़ने वाला ये पहला देश भी बन चुका है। ब्रिटेन की राजधानी क्या होती है, याद रखेंगे दोस्तों लंदन होती है ब्रिटेन की राजधानी। प्रधानमंत्री कौन है अभी यहाँ पे, तो बोरिस जॉनसन, नोट कर लीजिएगा कौन है, तो बोरिस जॉनसन, ठीक है याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा बोरिस जॉनसन। और यहाँ का जो करेंसी क्या होता है, तो स्टर्लिंग होता है दोस्तों, 1 GBP जो है आपका 90 रुपये के बराबर है, ठीक है 1 GBP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, ठीक है इसको बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि टेरी ने किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, किस राज्य ने या केंद्र शासित राज्य ने वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया है, तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर हम करेंगे दोस्तों इट्स ए न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अ वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो है ये 2020 का नई दिल्ली में हुआ। इसमें बता दें दोस्तों कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी है ना इसका पूरा नाम है, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये वार्षिक कार्यक्रम भी है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष की जो थीम थी, चूँकि देखिए ये जो ऐसे सबमिट होते हैं उसकी थीम भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो लिख लीजिएगा मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, टूवर्ड्स ट्वेंटी थर्टी, ठीक है, मेकिंग द काउंट, ये इसका थीम था, क्या था, द टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और भी पूछी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस बैठक में जो सस्टेनेबल एक्शन डायलॉग्स हुए थे, ठीक है, किस बारे में हुए थे, तो क्षेत्रीय संवाद, कॉरपोरेट कॉन्क्लेव, IFAT जो कि दिल्ली में ही, इसमें इसके बारे में स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, युवा संसेवक कार्यक्रम भी शामिल किए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए दिल्ली की राजधानी दिल्ली होती है, यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी यहाँ पे, ठीक है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 जो हुआ है ये अभी 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच हुआ है, और यहाँ का जो इस टुवर्ड्स 2030 गोल्स, ये मेकिंग द डिकेड काउंट, ये इसका थीम था दोस्तों, ये जो चीज़ें लिखी गई है ना इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए वैसे ये PDF मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में कितने शहर भारत के हैं, चलिए उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि विश्व में करीब 4 ऐसे शहर हैं, नोट कर लीजिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में इसका स्थान आता है भारत में, ठीक है ये नोट कर लीजिएगा। पहला तो है इंडिया में आपका बेंगलुरु, दूसरा है मुंबई, तीसरा है पुणे, और चौथा कौन है दोस्तों ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा, बेंगलुरु का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है बेंगलुरु का ट्रैफिक। और इसके जो खुलासा किया गया है नीदरलैंड की एक नेविगेशन ट्रैफिक और मैप उत्पादक कंपनी है टॉम, नोट कर लीजिएगा टॉम, ठीक है, इसके रिपोर्ट में ये सूची जारी की गई है, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और एक हमारा है शहर दिल्ली जो कि भारत की कैपिटल सिटी होती है,
चारों यहाँ पे जो सिटी है ये आपके सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में आता है पूरे विश्व में। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कौन कौन से वो शहर हैं, तो बेंगलोर, मुंबई, पुणे और दिल्ली। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दूसरे स्थान का पूछ सकता है ना, कि दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो मनीला है जो कि फिलीपींस में है, 71% कंजक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरे पे है दोस्तों बोगोटा, जो कि कोलंबिया का है ना, कोलंबिया का है बोगोटा, है ना, बोगोटा, और यहाँ पे 68% कंजक्शन है अभी। ठीक, ये याद रखिएगा, मुंबई में 65% है और पुणे में 59% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो डेटा दिया गया है। ठीक है, एक इसमें दिल्ली शहर है, इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि गीता सभरवाल किस देश में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, गीता सभरवाल जो है दोस्तों थाईलैंड की, नोट कर लेंगे क्या, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, थाईलैंड की लिए यहाँ पर यूएन की रेजिडेंट कॉरिडोर कोऑर्डिनेटर चुनी गई हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, कौन है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, इसको लिख लीजिएगा। और भारत के गीता सभरवाल को थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनको दोस्तों। ठीक है, और आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसी भी देश में उसके मिशन का प्रमुख दूत होता है ये। ठीक है, तो ये दूत बनी है। और दूसरा है दोस्तों कि परीक्षा के यहाँ पे कोण से, दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप बताएंगे क्या, न्यूयॉर्क। क्या बताएंगे दोस्तों, न्यूयॉर्क। और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। महासचिव कौन है, तभी मैंने बताया एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा 193। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा था यहाँ पे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव की, ओके, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया। वर्चुअल, देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, कौन सा राज्य है जिसने कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन का आरंभ किया है। आंसर करेंगे दोस्तों उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा सरकार ने राज्य में पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है, जहां लोग अपने जिलों से संबंधित शिकायतों को पुलिस स्टेशन पर जाए बिना ही दर्ज करा सकते हैं। इससे ई पुलिस स्टेशन का संचालन भुवनेश्वर का स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि इसका संचालन कौन करता है, तो ई पुलिस स्टेशन है भुवनेश्वर का स्टेट क्राइम रिकॉर्ड को यहाँ ब्यूरो को करता है। और ये पहला नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाकर ना जाकर होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि उड़ीसा के राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। ठीक, उसके अलावा मुख्यमंत्री तो नवीन पटनायक हैं, ये याद रखेंगे। और राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल, नोट कर लीजिएगा क्या है आंसर, गणेशी लाल। ठीक है, याद रहेगा ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे डी, तेलंगाना। याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे आंसर क्या करेंगे दोस्तों, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पे ये वो सेंटर है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद शहर में इसको बनाया गया है, जो कि हम लोग कान्हा शांति वन में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है इसको, कहाँ पे, तो कान्हा शांति वन। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। और आपको ये कहाँ से रिलेटेड चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सेंटर हॉल या फिर 8 परिधियों वाला हॉल सहित बने इस मेडिटेशन सेंटर में करीब 1,00,000 लोग ध्यान मग्न करके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। और यहाँ परीक्षा से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि तेलंगाना, तो तेलंगाना जो है भारत का कौन सा राज्य है, तो 29वां राज्य है। ठीक, ये याद रखेंगे। उसके अलावा 2 जून 2014 को इसकी राजधानी हैदराबाद हुई है, 2 जून 2014 को इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हर क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ, तो आपसे पूछ भी सकता हूँ कभी भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया था, उनका नाम क्या है दोस्तों? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से, यहाँ पे सुनीता चंद्रा इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप इनको तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर हटा दी गई है एक्चुअली, माफ़ कीजिएगा, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हैं, ये नोट कर लीजिएगा, अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित है सुनीता चंद्रा, को 27 जनवरी को निधन हो गया। वह 76 साल की थी और वो वर्ष 1956 से लेकर 1966 तक भारतीय हॉकी टीम की लिए खेली और इस दौरान 1963 से 1966 तक टीम की कप्तान रही। तो ये नोटेबल है 1963 से लेकर 1966 तक, यानी कि 3 साल तक के लिए वो इस टीम की कप्तान थी, लेकिन वो पूरे टीम में कब तक खेलती रही? तो 1956 से 1966 तक, यानी कि पूरा 10 साल उन्होंने सेवा किया है इस भारतीय हॉकी टीम का। 27 जनवरी को उनका निधन हो गया है, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, पूछता भी अक्सर जो लोग यहाँ हाल ही में निधन हुए, जो फेमस हैं पर्सनालिटी हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कि किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों ए रानी को, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है ये रानी, जो कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के अवार्ड से चुनी गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किसके लिए, तो वर्ल्ड गेम एथलीट्स, ठीक है, के लिए ये 2019 के सम्मान के लिए चुनी गई हैं। और वह ये क्या है, तो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, पाए जाने वाले हर भारतीयों को मिल सकता है एथलीट्स ऑफ द ईयर। इस पुरस्कार के लिए वोटिंग जनता करती है और यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिबद्धता और अच्छे व्यवहार के लिए दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, यहाँ से याद रखिएगा सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको इस वीडियोज़ में आपको दिए हैं। दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, और इसका PDF टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।